जनपद में चंपा देवी पार्क में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक गोरखपुर महोत्सव का हो रहा है आयोजन। पर्यटन मंत्री करेंगे 11 जनवरी को शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 13 जनवरी को महोत्सव का करेंगे समापन। हॉलीवुड नाइट में 11 जनवरी को बी प्राक अपने गायन को देंगे प्रस्तुति। सदर सांसद रवि किशन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर में परिवहन निगम की बसों में बजाया जा रहा है भगवान राम का भजन। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा, शासन से निर्देश हुआ है प्राप्त, सभी बसों में 22 जनवरी तक बजाया जाए भगवान राम का भजन, यात्रियों को आ रहा है काफी पसंद। यूपी ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के गृह मंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। जनपद में मंगलवार की सुबह सड़कों पर छाया रहा घना कोहरा, लोग वाहनों के लाइट जलाकर चलते आए नजर। जनपद में अयोध्या में भगवान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए नागरिकों के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर से महानगर में निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, सैकड़ों लोग शोभा यात्रा में हुए शामिल, लगाए जय श्री राम के नारे। गोरखपुर में मकर संक्रांति के मद्देनजर एसपी रेलवे अवधेश सिंह ने दिखाई गंभीरता, कहा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर माथातों को दिए गए हैं निर्देश, स्थानीय फोर्स समेत पीएसी को भी किया जा रहा है तैनात। गोरखपुर में फर्जी नाम पते पर पासपोर्ट बनवाकर विदेश में बसे जालसाजों पर अब पुलिस कसेगी शिकंजा, फर्जी पासपोर्ट पर विदेश गए जालसाज नहीं लौटे तो कुर्क होगी संपत्ति। गोरखपुर के बेलीपार थाना क्षेत्र में हुई 12 लाख रुपए की लूट में शामिल फरार आखिरी आरोपी राकेश कुमार गौतम उर्फ बंटी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने उसके पास से लूट के 1,92,000 रुपए नकदी भी किया बरामद, भेजा जेल। गोरखपुर के नौसर चौराहे पर स्थित टीवीएस एजेंसी में घुसकर चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को गीडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का एक चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन के पुर्जे व 30,180 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। गुलरिया थाना क्षेत्र में मंदिर में स्थापित की गई प्रतिमा का क्षतिग्रस्त करने का मामला, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस।